स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी 111 वन दरोगा के फाइनल रिजल्ट को लेकर के लेटेस्ट अपडेट क्या है, शैक्षिक अभिलेखों की मान्यता अमान्यता के निर्णय के लिए समिति का गठन कर लिया गया है, इस दिन होगा निर्णय, आपके पास कौन सी डिग्री है, फाइनल रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, इस पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हाँ दोस्तों, जो शैक्षिक अभिलेखों की मान्यता मान्यता संबंधित निर्णय लेना है उसके लिए जो कमेटी है उसका गठन किया गया है। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्यालय ज्ञापन है यहाँ पे 27 सितंबर का, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2022 वन दरोगा के बारे में है, और यहाँ पर जो अभ्यर्थी की न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए, अनिवार्य अर्हता होनी चाहिए, वह आवेदन की तिथि दिनांक 9/11/2022 तक धारित करना अनिवार्य है। उसके अलावा ये जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें जो शैक्षिक योग्यता दिया गया था कि इसके लिए क्या शैक्षिक योग्यता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन शैक्षिक योग्यता के अलावा भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो इनका जो अभिलेख परीक्षण हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उक्त अर्हता के सापेक्ष अभिलेख परीक्षण के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रकार के अभिलेखों प्रमाण पत्रों के परीक्षणों उपरांत उनकी मान्यता अमान्यता के संबंध में निर्णय लेने के लिए माननीय आयोग द्वारा निम्नोक्त समिति गठित की गई है। तो मतलब ये कि अब जो अर्हता दी है इसके सापेक्ष ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास कुछ और डिग्रियां हैं, तो उनके मान्यता अमान्यता से संबंधित आयोग को निर्णय लेना है, उसके लिए समिति गठित की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सदस्य हैं और कौन अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री अखंड प्रताप सिंह ये माननीय सदस्य हैं आयोग के, अध्यक्ष हैं समिति के। उसके अलावा डॉक्टर संतोष कुमार सचान हैं सदस्य हैं आयोग के, ये सह अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के कोई विशेषज्ञ होंगे, और साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश के कोई विज्ञ अधिकारी होंगे जो विशेषज्ञ होंगे, तो ये भी होंगे। और साथ ही आपकी श्रीमती वंदना त्रिवेदी उप सचिव आयोग, तो ये 5 सदस्यों की जो समिति है वो बनाई गई है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग है इनसे भी कहा गया है, अनुरोध किया गया है कि 4 अक्टूबर को जो मीटिंग होनी है 4 अक्टूबर को 11 बजे, तो यहाँ पर जो भी अधिकारी हैं उनको प्रतिभाग करने के लिए निर्देशित किया जाए। उसके अलावा इसी तरीके से प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भी ये अनुरोध किया गया है कि 4 अक्टूबर 2024 को 11 बजे जो मीटिंग है तो उसके लिए जो भी अधिकारी या विशेषज्ञ हैं उनको नामित कर दिया जाए। तो क्योंकि ये 5 जो सदस्य पाँच तुम्हारे यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 5 सदस्यों की एक समिति है यहाँ पर, और इनके द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा। तो अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों प्रमाण पत्रों की सूची सादर संलग्न है, मतलब कहने का यहाँ पे कि अभिलेख परीक्षण के समय जो अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे उनकी जो सूची है वो यहाँ पे संलग्न है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस डिग्री के अभ्यर्थी हैं। अब इनमें से जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो ये कमेटी है वो निर्णय लेगी कि किसको इसके लिए मान्य किया जाए, किसकी किसको मान्य किया जाए और किसे अमान्य किया जाए। तो पूरी मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड सीईआरटी अटैच्ड, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री बीटेक एमटेक एमबीए, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड एमएससी केमिस्ट्री, 5 इयर्स एमबीए इंटीग्रेटेड बीटेक एसोसिएट डिग्री फ्रॉम इग्नू, बीकॉम बी फार्मा, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हेल्थ एंड साइंस, बीएससी लाइफ साइंस। इस तरीके से आप अलग अलग जो डिग्री वाले अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स इन जियोलॉजी, बीएससी ऑनर्स इन स्टैटिक्स, इस तरीके से अलग अलग प्रकार की डिग्रियाँ अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अब इनमें आयोग के द्वारा निर्णय लेना है समिति के द्वारा कि कौन सा मान्य किया जाएगा और कौन सा इसमें अमान्य किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 39 ऐसे जो डिग्री हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो ये डिग्रियाँ जो थी वो अभिलेख परीक्षण कराते समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो आपकी जो भी डिग्री हो, तो अब देखते हैं कि क्या फाइनल रिजल्ट आता है मान्यता अमान्यता को लेकर, कि कौन कौन से जो डिग्रियाँ उनको मान्य किया जाता है कमेटी के द्वारा। तो ये बात ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और फाइनल रिजल्ट के लिए बारे में मैंने आपको बताया था कि 4 अक्टूबर को आपका ये आपका मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा आयोग के द्वारा, फिर उसके बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 15 अक्टूबर के आसपास मैंने बताया था कि हो सकता है जारी हो जाए। तो 15 अक्टूबर के आसपास उम्मीद है कि फाइनल रिजल्ट जारी होने की। तो 4 अक्टूबर को मीटिंग होगी, 4 अक्टूबर के बाद जो भी अपडेट होगी 4 अक्टूबर की, कि कौन कौन सी आपकी 4 अक्टूबर को डिग्री मान्य की गई हैं और कौन सी अमान्य की गई हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट मुझे मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा।
ये लेटेस्ट अपडेट थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।